नमस्कार किसान मित्रों, मैं दिग्विजय कुमार पटेल अपने YouTube चैनल दिग्विजय पटेल 9635 में आप सभी किसान मित्रों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और इसी के साथ दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाओं आप सभी को, हैप्पी दिवाली। आज मैं आया हूं दीपावली से संबंधित, मिट्टी से संबंधित प्रजापति जी के पास, जो दीपावली का दीपक, कुल्हड़, ग्वालिन, जतोला, मतलब बच्चों को खेलने के लिए सब बनाते हैं, उनसे परिचय कराते हैं। आइए, ये दिखाइए भैया, थोड़ा ये बना रहे हैं भैया। अभी क्या बना रहे हैं भैया आप? कुल्हड़, कुल्हड़ बन रहा किसान मित्रों, कुल्हड़ बना रहे हैं। कुल्हड़ के बाद अभी आप क्या बनाएंगे? इसमें दीपावली वाली दियाली वाली बन गई है। कुल्हड़ के बाद दियाली, कोसा सब बनता है और बर्तन भी बनता है। बर्तन में क्या क्या बनता है आपका? बर्तन में हाड़ी बनेगी, कोहला बनेगा, और जो है गगरी बनेगी, मतलब यही सब बनता है। घरेलू उपयोग जितना भी सामान होता है आपके यहाँ बन जाता है। हाँ। अभी ये करेंगे, उसके बाद आप उसको पकाएंगे। तो आपके यहाँ ये जो है इसको क्या बोलते हैं? तंदूर। तंदूर, तंदूर भी आप बनाते हैं? हाँ, तंदूर। तंदूर आप मतलब ऑर्डर में बनाते हैं कि बना बना रखते हैं? नहीं, ऑर्डर भी बनता है, वैसे बना के रहते हैं। किसी मतलब का जरूरत जरूरत है, एक दो मिल जाएगा, ज्यादा लेना है तो ऑर्डर हाँ, देना पड़ेगा ना। हाँ। भाइयों, अगर इनको, आप लोगों को तंदूर की जरूरत है, तंदूर भट्टी, शादी विवाह पार्टी या वैसे भी दुकान खोलना है, तो भैया का भी नंबर ले लेंगे। तो आप लोग को जरूरत है तो आप फोन कर सकते हैं। और इसके बाद आइए, इनका दिखाते हैं ग्वालिन वगैरह रंगने का तरीका। आइए भैया, आवा यार, एक रंग दे। ये है इनका भट्टी, ये भट्टी पकाने वाला है ना, ये है, ये देखो इनका दियाली बनके तैयार है। ये है दियाली, दियाली क्वालिटी बढ़िया है इनका। उसके बाद इसमें जो आपका काजल वगैरह पाड़ते हैं, परई जिसको बोलते हैं, कोसा, जो भी भाषा में होगा आप लोगों का, वही सब है। और ये आपका होम अगियार के लिए है, ये भी देखिए, मिट्टी से कलाकारी, लाजवाब एकदम। ये देखो, ये आपका भी ये भट्टी है, इसी में आपका पकेगा। ये देखो, लगा लगा के भी रखे हैं पूरा। अंदर दिखाओ भैया, इसी में देखो, ये पकाने का इनका तरीका है। इसी में दियाली अकेले है क्या, और कुछ है भैया? दियाले भी है, कुल्हड़ भी है। अच्छा, सब इसी में है। आइए ग्वालिन को दिखाते हैं, ग्वालिन किस तरह से भैया ने बनाया। आओ, ये है ग्वालिन बनके आपकी, ये थोड़ा बहुत ये स्टार्टिंग का है, उसके बाद ये है, ये आपका कंप्लीट हुआ है, ये है कंप्लीट ग्वालिन। इसमें जतोला उतोला नहीं है भैया आपके पास? दिखाइए थोड़ा, ये कंप्लीट है, ये आपका जतोला है। जैसे बचपन में हम लोगों का बचपन था, तो ये ऐसे इसमें मिट्टी वगैरह डाल के ये है। ये जतोला है, ऐसे तमाम मिट्टी से जुड़े हुए जो भी हैं, तमाम भैया के पास मिल जाएंगे। अगर तंदूर के लिए या फिर कुल्हड़ के लिए या जो भी स्पेशली आपको, भट्टी भी है टीना वाला और मिट्टी वाला भी है, दोनों तंदूर हमारे यहाँ ऑर्डर पे। अच्छा, आपका मोबाइल नंबर बताएंगे? हाँ बताएंगे, बता नंबर। 6389, आपका नंबर है 6389 4850 2829। ये भैया का नंबर है, आपको जरूरत है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। दो दिन, चार दिन, हफ्ते हफ्ते पहले कम से कम आपको बताना पड़ेगा, एक हफ्ता पहले। एक हफ्ता पहले भैया, अगर बारिश है, मौसम है, मौसम के हिसाब से बताइएगा, नहीं पता लगा बारिश होता रहे सूखे ना। पराई भी बनती है मुसलमानों का मीट खाने के लिए भैया, स्पेशल पराई हो रही, जैसे आपका सकौड़ा है, उसके बाद और भी है शादी विवाह में, या मुस्लिम के यहाँ जो होता है गोश्त वगैरह जो भी होता है खाने के लिए, पराई की आवश्यकता होती है, तो भैया के पास अवेलेबल है। आप इसी कॉन्टेक्ट नंबर पे
कांटेक्ट करके भैया से संपर्क करके ले सकते हैं। और दीपावली में आप ये कोशिश करिए, पटाखे वगैरह तो दगाते ही हैं, उसके बाद आप लड़ियाँ लगाते हैं, चाइना का सामान कम यूज़ करिए। हमारे ये भी गरीब परिवार से हैं, इनका भी विशेष ध्यान दीजिए आप लोग दीपावली में। दियाली इन्हीं से आप लीजिए, आप कुछ भी लीजिए लेकिन कुछ तो दियाली इनसे भी लीजिए, जो चूँकि इनका भी परिवार चलता रहे, इनको भी मेहनत करते हैं, हर चीज़ है और मिट्टी से जुड़े हुए हैं, मिट्टी से पूरा बनाते हैं। ये चीज़ रियलिटी है आपका, इसमें आप तेल वगैरह लगा के जब जलाते हैं तो उससे एक अलग ही खुशबू होती है, और आप लाइट जलाएंगे तो उससे बहुत कुछ नहीं है, चाइना का सामान ही है, बाकी इनसे इनका भी घर परिवार चलेगा। तो इसलिए विशेष निवेदन है कि आप लोग दिवाली में इन भैया से दुकान पे भी, घर पे भी, जहाँ भी मिले, ये हम नहीं कह रहे हैं कि भैया से ही आके लीजिए, जहाँ भी आपको मिले प्लीज़ दिवाली ग्वालियर जो भी आपको आवश्यकता है दीपावली में, इन लोगों से लीजिए ज़रूर, ये विशेष रिक्वेस्ट है। इसी के साथ विदा लेते हैं, हैप्पी दिवाली, जय जवान जय किसान।